एक थोड़ा सा क्विक रिवाइज करते हैं। हमने कल करा जियोमैग्नेटिज्म। जियोमैग्नेटिज्म का असेंशन फिनोमेना कैसे ओरिजिनेट होता है वो मैंने आपको समझाया था कि अर्थ खुद में एक मैग्नेट की तरह बिहेव करती है। हमने उसको समझा था सोलेनॉइड के कॉन्सेप्ट से कि जिस तरह एक आयरन कोर के आसपास आपका अगर हम कॉयल को वाइंड कर दो और उसे इलेक्ट्रिसिटी पास करें तो वो एक मैग्नेट की तरह बिहेव करेगी। फिर जियो मैग्नेटिज्म के एक्सप्लेनेशन में आपने लिखा कि एक डायनमो थ्योरी है। डायनमो थ्योरी अर्थ के जियो मैग्नेटिज्म को एक्सप्लेन करती है। डायनमो थ्योरी में क्या है कि अर्थ है, उसके अंदर आपका कोर है, सॉलिड कोर जो आयरन रिच है, उसके आसपास आपका क्या है, लिक्विड कोर जो घूमता रहता है जिसमें कन्वेक्शन होती है। इसी कन्वेक्शन की वजह से जो है मैग्नेटिक फील्ड जेनरेट होता है। ये तो हुआ सिंपल तरीका समझने का। अब डायनमो थ्योरी क्या बोलती है, ऐसा है नहीं, अगेन ये क्या है, थ्योरी है, स्पेक्यूलेशन है। डायनमो थ्योरी बोलती है कि अर्थ अपने आप में एक बार मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। बार मैग्नेट सबको पता है, एक स्लैब ऑफ मैग्नेट। मैग्नेट में दो पोल्स होते हैं, एक नॉर्थ पोल, साउथ पोल। एज अ जनरल रूल आपको पता होगा कि नॉर्थ नॉर्थ को अगर आप पास लाने की कोशिश करो वो रिपेल करेगा, साउथ साउथ को पास लाने की कोशिश करो रिपेल करेगा। नॉर्थ अट्रैक्ट्स साउथ। अब हमारा जियोग्राफिकल नॉर्थ पोल कहाँ है, यहाँ पर, और जियोग्राफिकल साउथ कहाँ है, यहाँ पर। अब क्या होता है कि एक्चुअली जो ओरिजिनली आपका मैग्नेट है अर्थ के अंदर, उसका नॉर्थ पोल कहाँ पर है, यहाँ पर, और साउथ पोल कहाँ पर है, यहाँ पर। लेकिन हमारी स्टडीज में कंफ्यूजन ना हो जाए कि भाई जियोग्राफिक नॉर्थ पोल क्या है और फिर मैग्नेटिक नॉर्थ पोल क्या है, फॉर कन्वेंशन हम क्या मानकर चलते हैं कि हमने साउथ को जो एक्चुअली साउथ पोल है मैग्नेट का, उसको हमने क्या डेजिग्नेट कर दिया, मैग्नेटिक नॉर्थ, और जो एक्चुअल नॉर्थ पोल है मैग्नेट का उसको हमने डेजिग्नेट कर दिया मैग्नेटिक साउथ। तो समझने के लिए ये बताना आपको जरूरी नहीं था, बट हो सकता है कहीं पे आप ये एक्सप्लेनेशन पाओ तो आप कंफ्यूज हो जाओ। आपने सिर्फ ये याद रखना है कि ओरिजिनली जो अर्थ के अंदर का बार मैग्नेट है उसका नॉर्थ और साउथ उल्टा है जियोग्राफिक नॉर्थ और साउथ के। बट टू प्रिवेंट कंफ्यूजन इन आवर स्टडीज हम साउथ को नॉर्थ डेजिग्नेट कर देते हैं और नॉर्थ को साउथ डेजिग्नेट कर देते हैं। बाकी ऑब्वियसली जैसे आपके मैग्नेटिक लाइन्स किसी भी बार मैग्नेट के आसपास इस तरीके से होती हैं, उसी तरीके से इसमें भी मैग्नेटिक लाइंस होती हैं। अब याद करो हमने एक फिनोमेना किया था ऑरोराज का, याद है? ऑरोराज कहाँ बनते हैं आपके, यूजुअली नॉर्दर्न और सदर्न हेमिस्फीयर में। रीजन बीइंग कि आपकी हमेशा मैग्नेटिक लाइंस किस फॉर्मेट में अरेंज होती हैं, इस फॉर्मेट में। जब आपके चार्ज्ड पार्टिकल्स सन से अर्थ की तरफ आते हैं तो हर एक चार्ज्ड पार्टिकल, आपने किसी जमाने में फिजिक्स में पढ़ा होगा कि अगर आप लोहे को छोटे छोटे पीसेस में भी कर दो तो हर पीस का एक नॉर्थ और एक साउथ पोल होगा। किसी भी मैग्नेटिक पार्टिकल को सबसे छोटे एटॉमिक साइज में भी डिवाइड कर दो तो उसका भी एक नॉर्थ एंड साउथ होगा। अब जितने भी चार्ज्ड पार्टिकल्स अर्थ की तरफ आते हैं नेचुरली या तो इस पोल की तरफ अट्रैक्ट होंगे या इस पोल की तरफ अट्रैक्ट होंगे। इसीलिए आपको जो मैक्सिमम एरोरल फिनोमेना दिखाई देता है वो या तो नॉर्थ में दिखाई देगा या साउथ में दिखाई देगा। कई बार बहुत लिमिटेड केसेस में, जिन केसेस में आपकी सोलर विंड बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है, या जैसे हमने पढ़ा कि आपका सोलर मैक्सिमम का साइकिल अभी चलना शुरू हुआ है, सिर्फ उन केसेस में क्योंकि चार्ज पार्टिकल्स का आउटबर्स्ट बहुत ज्यादा है तो कई बार आपको इक्वेटर पर भी ऑरोरास का फिनोमिना दिखाई देता है, जैसे पिछले साल या दो साल पहले लद्दाख में दिखाई दिया था। हालांकि लद्दाख कहाँ है आपका, इक्वेटर के पास में है, पोल्स के पास में नहीं है। दैट इज ओनली इन वेरी रेयर केसेस जब जो आपका सन से मैग्नेटिक फील्ड है वो एक्सेसिवली स्ट्रॉन्ग अर्थ की तरफ आता है। ये बात सबको समझ में आई, ये था आपका जियोमैग्नेटिज्म। मैं कल जो हमने लिखा है मैं थोड़ा सा क्विकली रिपीट करती हूँ, फिर आप देखो कि कहाँ से हमारा छूटा था उसमें कंटिन्यू कर लो, ठीक है? तो आई थिंक हमने हेडिंग डाली थी कॉजेज ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड, यही थी जियोमैग्नेटिज्म में आपने ये लिखा है ना, इट इज एक्सप्लेन्ड बाय द डायनमो थ्योरी व्हिच सेज, एक मिनट प्लीज, जिसने कल पूरा लिखा था एक मिनट नोटबुक दिखाओ। ये
और द कॉज ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इज एक्सप्लेन बाय डायनेमो थ्योरी, मतलब बिल्कुल वर्ड का वर्ड मैच करना चाहिए, एक वर्ड आगे पीछे नहीं। ये लिखा है आपने कि नहीं, डायनेमो थ्योरी वर्ड लिखा है ना? मैं यहीं से कंटिन्यू कर रही हूँ, तो जहाँ पर भी ब्रेक है उसके आगे आप कंटिन्यू करना शुरू कर देना। इट इज एक्सप्लेन बाय डायनेमो थ्योरी विच सेज दैट द आउटर लिक्विड कोर ऑफ द अर्थ मूव्स अराउंड द सॉलिड इनर कोर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ कोरियोलिस फोर्स एंड हेंस एक्ट्स एज अ सोलेनोइड जनरेटिंग इलेक्ट्रिक करंट विच प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, आगे लिखो। देयर इज एन इंक्लिनेशन of about 11 degrees. There is an inclination of about 11 degrees between the geomagnetic north pole, between the geomagnetic north pole and the geographic north pole. And the geographic north pole. इसका मतलब क्या है? ये आपका north south है, एक axis पे है, ठीक है? जो इसका bar magnet है, वो बिल्कुल इस तरीके से inclined नहीं है, वो थोड़ा सा ऐसे inclined है। तो इसकी poles क्या होंगे? इस तरीके से। इन दोनों के बीच में कितने angles का डिफरेंस है? 11 डिग्रीज। ठीक है, तो जो आपका जियोग्राफिक नॉर्थ पोल है, आपका मैग्नेटिक नॉर्थ पोल डायरेक्टली उसके साथ कोइंसाइड नहीं करता। विजुअली आप इसको ऐसे इमेजिन करने की कोशिश करो, जैसे ये आपको दिख रहा है कनाडा, ठीक है? नॉर्थ पोल आपका एक्चुअली कहाँ पे है? यहाँ पे। जो आपका मैग्नेटिक नॉर्थ पोल है वो यहाँ पे एक एल्समियर आइलैंड है, यहाँ पे है। तो यहाँ से लेकर यहाँ के बीच में ये कितना डिफरेंस हो गया? 11 डिग्रीज का। ये बात समझ में आई सबको? ठीक है, आगे लिखो। द जियो मैग्नेटिक डाइपोल्स, आज स्ट्रेंथ कम क्यों है? बच्चों को मजा नहीं आ रहा है क्या? अच्छा, ठीक है। द जियो मैग्नेटिक डाइपोल्स हैव अंडरगॉन रिवर्सल। द जियो मैग्नेटिक डाइपोल्स, DIPOLES, डाइपोल्स क्या हुआ? जिसके दो पोल्स हों, ठीक है? द जियो मैग्नेटिक डाइपोल्स हैव अंडरगॉन रिवर्सल several times during the Earth's geological history. During the Earth's geological history. Full stop. This reversal is not periodic. This reversal is not periodic. And is recorded in the rocks in the form of paleomagnetism. ठीक है, अब दो तीन चीजें इस एक स्टेटमेंट में आपकी आती हैं। सबसे पहली चीज इसने बोला कि ये जो आपका जियोमैग्नेटिज्म है, ये स्टैटिक नहीं है। स्टैटिक का मतलब, आज के टाइम पे मान लो आपका जो कोर है, ठीक है, और इसके बाहर आपका लिक्विड कोर है। आज के टाइम पे लिक्विड कोर मानो इस डायरेक्शन में चल रहा है, ठीक है? तो मैग्नेटिज्म अलग हिसाब से जनरेट होगा, नॉर्थ पोल साउथ पोल अलग होगा। अगर कल को मान लो फॉर व्हाटएवर रीजन, वो रीजन क्या है आपको अभी समझने की जरूरत नहीं है, बट फॉर व्हाटएवर रीजन ये डायरेक्शन इस तरफ हो जाए, ठीक है, रिवर्सल हो जाए इसके मूवमेंट का, तो आपका नॉर्थ और साउथ भी क्या है? रिवर्स हो जाएगा। इससे हमें पता चलता है कि जो अर्थ का मैग्नेटिज्म है, जहां पे भी आज उसका नॉर्थ पोल है और साउथ पोल है, वो हमेशा ऐसा नहीं रहेगा। 4.6 बिलियन
ये स्पिरिट है हमारा अर्थ। तो तब से लेकर आज तक कई बार ये रिवर्सल जो है पोल्स का वे हुआ है। और ये जो रिवर्सल है पोल्स का हमें कैसे पता है ये हुआ है, ये आपकी रॉक्स में रिकॉर्ड हो जाता है। रॉक्स आपके मिनरल्स से बने होते हैं, मिनरल्स में आपका आयरन एक बहुत इंपॉर्टेंट मिनरल है, जो आपके आयरन के मिनरल्स हैं वे चार्जेस को पकड़ लेते हैं। तो जो मानो प्री कैम्ब्रियन टाइम रॉक्स बने होंगे उनमें चार्जेस अलग तरीके से होल्ड होंगे, उसके बाद जब भी नए नए रॉक्स बने उस टाइम पे जो भी नॉर्थ या साउथ पेंड होगा उस हिसाब से चार्जेस अलग हो गए होंगे। तो ये जो पूरी स्टडी है, ये जो पूरा हिस्टोरिक आपका चार्जेस का स्टोरिंग है, इसको हम बोलते हैं पेलियोमैग्नेटिज्म। ये मैं करती हूँ एक मिनट, ये पेलियोमैग्नेटिज्म आगे हमें बहुत डिटेल में पढ़ना है जब हम आपकी प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी पढ़ेंगे कि हमें कैसे पता चल रहा है ये चल रहा है। ये आपका अर्थ, इसमें आपका सॉलिड कोर और क्या है लिक्विड कोर। लिक्विड कोर की मूवमेंट, लिक्विड है ना मूव करेगा, इस डायरेक्शन में होगी हाइपोथेटिकली, तो मे बी आपका नॉर्थ मैग्नेट का यहाँ होगा, साइट यहाँ होगा। कल को मान लो किसी भी वजह से कोई मीटियोर आके हिट किया या कुछ भी हुआ कि अर्थ का थोड़ा सा ओरिएंटेशन बदल गया, अब ये जो मूवमेंट है जो पहले इस डायरेक्शन में हो रहा था अब ये किस में हो जाएगा, इस डायरेक्शन में। तो नेचुरली ये साउथ में कन्वर्ट हो जाएगा, ये नॉर्थ में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जिस जिस टाइम पे ये रिवर्सल होगा उस टाइम पे तब जो रॉक्स बन रहे होंगे उनमें चार्जेस स्टोर हो जाएंगे, उन चार्जेस को जब हम स्टडी करते हैं उसको हम बोलते हैं पेलियोमैग्नेटिज्म। ये बात समझ में आई कि ये चेंज होता रहता है। दूसरी चीज आपने लिखी कि ये जो चेंज है इट इज नॉट पीरियोडिक। पीरियोडिक का मतलब क्या होता है, आफ्टर अ डेफिनेट इंटरवल, जैसे आपने सोलर साइकिल पढ़ा 11 ईयर्स का साइकिल होता है, मतलब 11 ईयर्स के बाद वो चेंज होगा। ये जो रिवर्सल है मैग्नेटिक फील्ड्स का, इसका कोई श्योर शॉट नहीं है कि ये 10,000 साल के बाद रिवर्स होगा, 50,000 साल के बाद रिवर्स होगा, 1,000,000 ईयर्स के बाद रिवर्स होगा, वी डू नॉट नो। तो ये पीरियोडिक नहीं है बट रिवर्सल होता है। ये स्टेटमेंट समझ में आई आप लोगों को, किसी को कोई डाउट उसमें, ठीक है। इसके साथ आपका जो अर्थ का इंटरनल स्ट्रक्चर है वो हुआ खत्म। अब क्योंकि वो हुआ खत्म तो मैंने पूछने हैं आपसे क्वेश्चंस, क्योंकि मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि आप रोज के रोज रिवाइज करके आते हो, ठीक है। इंट्रोवर्ट बच्चा, चलो, इनर टू आउटर लेयर्स, डिसकंटिन्यूटीज, इनर टू आउटर है, ठीक है। अगर एक्सट्रीम एंड टी ब्लू टी शर्ट, आउटर टू इनर, हाँ आप ही एक्सट्रीम एंड आपके पीछे, आउटर टू इनर डिसकंटिन्यूटीज के नाम, नहीं आपके आगे पिंक ठीक है। आउटर क्रस्ट और इनर क्रस्ट के बीच में इकट्ठे बोलो कॉनराड, क्रस्ट एंड मैंटल मोहरोविक, आउटर मैंटल या अपर मैंटल एंड लोअर मैंटल रेपिटी, मैंटल एंड कोर, आउटर कोर इनर कोर लीमैन। अच्छा, अब ये तो हुए ये वाले नाम, अब और भी कुछ नाम है इनके स्फीयर्स के फॉर्मेट में, ठीक है। प्रॉम्प्ट नहीं करना है, मैं जैसे पूछूंगी बताओ आउटर जो लेयर है वो कौन सा स्फीयर है, बता। अर्थ का आउटर लेयर, फिर उसके बाद टेस्ट, फिर ठीक है, ठीक बोल रहे हो, और फिर इनर मोस्ट और कौन सा स्फीयर है, कोर का भी एक हमने नाम लिखा था बैरिस्फीयर। ये टर्म्स आपको याद होने चाहिए क्योंकि अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा चाहे प्री में या मेंस में तो आएगा नहीं, इससे प्री में इंस्टेड ऑफ यूजिंग द वर्ड क्रस्ट मैंटल कोर आपको ये स्फीयर्स के नाम भी पूछे जा सकते हैं, ठीक है। और क्या किया था कल हमने, हाँ सेस्मिक वेव्स, चलो आपके साथ, हाँ जी बताओ सबसे पहले सेस्मिक वेव्स कितने टाइप्स के हैं, ब्रॉड क्लासिफिकेशन क्या क्या,
बस स्टॉप देयर चेक्स बॉडी वेव्स और सरफेस वेव्स में क्या डिफरेंस है बेसिक डिफरेंस ठीक है और सरफेस वेव्स another set of waves ठीक है अच्छा फिर जो पीछे कैप पहना है जिसने हाँ आप बताओ मुझे बॉडी वेव्स में मूवमेंट किस तरीके से होता है फॉर इंफ्रो मूवमेंट ठीक है बॉडी वेव्स के कौन से एलिमेंट हो इंफ्रो पी वेव्स ठीक है पी वेव्स और अस वेव्स में बेसिक अच्छा पी वेव्स बेसिक डिफरेंस हो गया ठीक है फिर सरफेस वेव्स जो सरफेस पे होती है सरफेस वेव्स होती है और आगे टाइप्स एक्सिस करेंगे ठीक है सरफेस वेव्स को एक और नाम देके हमने पढ़ा था क्या एल वेव्स या फिर लॉन्ग वेव्स अब मैं आपसे पूछ रही हूँ कि विच आर द फास्टेस्ट सेस्मिक वेव्स पी वेव्स एंड विच आर द फास्टेस्ट सरफेस वेव्स ठीक है विच वेव्स कॉज द मोस्ट डिस्ट्रक्शन पी वेव्स और सॉरी बॉडी वेव्स या सरफेस वेव्स सरफेस वेव्स में से भी दोनों में से कौन सा ज्यादा डिस्ट्रक्शन रेलिग वेव्स ठीक है अच्छा फिर उसके बाद पी वेव शैडो जोन क्यों बनता है पी वेव शैडो जोन क्यों बनता है प्रांत नहीं मैंने जिससे पूछा है सिर्फ वो बताएगा कोई बात नहीं बोलियो कौन सी ना डिस्क्वालिफाइड पी वेव शैडो जोन क्यों बनता है पी वेव सॉलिड से नहीं निकलता है मैंने पूछा ही तो मैंने पूछा पी वेव का शैडो जोन क्यों बनता है सॉलिड लिक्विड गैस से ट्रांसफर हो रहा है फिर शैडो जोन क्यों बनता है उसका फिर बनना ही नहीं चाहिए अगर तीनों से पास हो रहा है तो आपसे पूछा ही नहीं अब मैंने आप डिस्क्वालीफाई हो गए आप बताओ चेक्स ऑरेंज नहीं लास्ट में याद करे हमने क्या पढ़ा था कि जैसे ही पी वेव ट्रांसफर करेगी पहले सॉलिड में अलग तरीके से जैसे ही वह मोल्टन रीजन में करेगी वह डिफ्लेक्ट हो जाएगी तो यहाँ पे ये जो रीजन होता है वहां तक वह डायरेक्टली पहुंच नहीं पाती तो आपका पी वेव शैडो जोन बन जाता है रफली फ्रॉम 103 या 5 टू 142-145 डिग्रीज एस वेव शैडो जोन क्यों बनता है क्योंकि एस वेव ट्रैवल ही सिर्फ सॉलिड में होती है जब वह मोल्टन रीजन को एनकाउंटर करती है तो डिफ्लेक्शन की तो बात ही नहीं है वह उसमें से क्रॉस ही नहीं कर पाती है ये याद रखने हैं डिफरेंसेस ठीक है भूलना नहीं कि कौन सी वेव कहां कहां से ट्रैवल करती है ये भूल जाओगे तो जो इतना कल हमने मेहनत से पढ़ा उसका फायदा क्या ठीक है यह होता आपका इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ दो मिनट दे रही हूं मैं क्विकली जितना हमने लिखा है गो थ्रू करो मुझे पूछो कहीं पे किसी को कोई डाउट है फिर हम आगे चलेंगे सारा नहीं जो कल हमने क्रस्ट मेंटल कोर के डेफिनेशन से शुरू किया वहां से लेकर अभी तक ठीक है हाँ जी लव एंड रेलिंग यू कैन यूज बोथ ऑफ देम इंटरचेंजेबली सिर्फ उनका जो मूवमेंट का डिफरेंस है सर्फेस वेव है ना तो सर्फेस वेव कलेक्टिवली आर मोस्ट डिस्ट्रक्टिव लव में सिर्फ साइड टू साइड मूवमेंट है और रेलिंग में ऊपर नीचे यू कैन यूज देम इंटरचेंजेबली ठीक है अच्छा कोरियोलिस हाँ बोलो कुछ पूछने वाले थे
कोई पूछने वाला था यहाँ से कुछ? कोरियोलिस फोर्स आपने दो तीन बार पढ़ा, देखो डिटेल में हमें इसको पढ़ना है क्लाइमेटोलॉजी में, फिर भी मैं एक बार आपको समझा देती हूँ। आप ऐसा इमेजिन करो, जब आप गन फायर करते हो, मान लो पीछे जहाँ पे वो आपका स्टैंड है, रिकॉर्डिंग स्टैंड है, मेरे को वहां पर फायर करना है, तो क्या मैं डायरेक्टली उसकी तरफ एम करूंगी या थोड़ा सा साइड पे एम करूंगी? थोड़ा सा साइड पे एम करते हैं। क्यों? मान लो ये आपका जो अर्थ है, ये क्या है, घूम रहा है, ठीक है। अगर मेरे को फायर करना है, मैं जब फायर करूंगी, मान लो साइट मेरा बिल्कुल सामने है, मेरा टारगेट सामने है, अगर मैं बिल्कुल टारगेट पे अपने फायर करूंगी, पर अर्थ रोटेट कर रही है ना, जितनी देर में यहां से मेरी गन से फायर निकला और वहां तक पहुंचा, अर्थ थोड़ा सा आगे खिसक गया होगा, ठीक है। तो दैट मींस अगर मुझे टारगेट पे फायर करना है, मुझे ध्यान रखना है कि जो अर्थ का मूवमेंट होगा उसकी वजह से मेरा टारगेट मिस ना हो जाए। उसको ध्यान में, ये जो मिस हो जाने वाला वो है, ये कौन एक्सप्लेन करता है? आपका कोरियोलिस फोर्स। जितने भी मूविंग ऑब्जेक्ट्स हैं अर्थ पे, उन सब पे रोटेशन का इफेक्ट पड़ता है। अब डिपेंडिंग ऑन कि वो नॉर्थ हेमिस्फीयर में है या साउथ हेमिस्फीयर में है, जितने भी मूविंग ऑब्जेक्ट्स हैं वो या तो राइट को डिफ्लेक्ट होते हैं या फिर वो लेफ्ट को डिफ्लेक्ट होते हैं। ये जो फिनोमिना है, इसको एक बंदा था जिसका नाम था फेरल, फेरल्स लॉ उसने एक दिया। उसने बोला कि अगर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, मान लो आपका एयर कहाँ से मूव कर रहा है, हम एयर के एग्जाम्पल से समझ कर करते हैं, अगर एयर इस रीजन से इस रीजन पे जा रहा है, ये कभी भी स्ट्रेट पाथ में नहीं जाएगा, ये कहाँ डिफ्लेक्ट हो जाएगा, आपके राइट में। अब अगर एयर यहाँ से यहाँ आ रहा होता, तो बताओ वो वन पे जाता या टू पे? राइट में, क्योंकि अब मैं इस तरफ देखूंगी तो राइट कहाँ हुआ, यहाँ पर, तो वो कहाँ जाएगा, राइट में। In the northern hemisphere, everything is deflected towards the right. In the southern hemisphere, everything is deflected towards the left. जब आपने देखना है कि direction क्या है, जैसे इस point से यहाँ पर जा रहा है, तो direction क्या है, ऐसे, तो क्या हो गया, right? ऐसे। जब उस point से यहाँ की तरफ आ रहा है, तो direction क्या हो गया, right? आपने डायरेक्शन को मेजर करना है। आपका कहने का मतलब कि ये भी तो इधर जाना चाहिए, राइट? आप यही बोलना चाह रहे हो ना, पर वी हैव टू कंसीडर कि कहां से कहां को आ रहा है। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सारी चीजें थोड़ी सी राइट को डिफ्लेक्ट करेंगी और सदर्न हेमिस्फीयर में लेफ्ट को। इसी को कोरियोलिस फोर्स का इम्पैक्ट बोलते हैं। इसका ज्यादा इम्पैक्ट आपको विंड्स में देखने में मिलेगा, जब हम प्रेशर बेल्ट्स पढ़ेंगे, ट्रेड विंड्स, वेस्टर्ली विंड्स, ये सारा उसमें आपको बेटर तरीके से एक्सप्लेन होगा, ठीक है। अब हम नया टॉपिक शुरू करेंगे, दैट इज जियोमॉर्फिक, चाहे आप इसको मूवमेंट्स बोलो, प्रोसेसेस बोलो, या फोर्स बोलो। आप हेडिंग डाल लो जियोमॉर्फिक मूवमेंट्स। पिछले वाले टॉपिक का आपका एक होमवर्क है छोटा सा, आपने लिखना है व्हाट आर जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म्स एंड व्हाट इज देयर इंपैक्ट। व्हाट आर जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म्स एंड व्हाट इज देयर इंपैक्ट। आई होप अब आपको पता है कि जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म्स क्या होते हैं। सनस्पॉट एक्टिविटी कम होती है उस टाइम, ज्यादा होती है सनस्पॉट एक्टिविटी, ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगा, ज्यादा स्टॉर्म्स होंगे, अर्थ को ज्यादा इंपैक्ट करेगा, ठीक है। ये आपने एक रफली 100 वर्ड्स इसमें लिखने हैं, 100 वर्ड्स का आंसर आपने ये बनाना है। कल वाले आंसर्स लिखे किसी ने? Yes, फिर आज आप मेरे को सबमिट कर दोगे, 3-4 दिन में मैं आपको वो इवेलुएट करके वापस दे दूंगी। अपना नाम उन पे लिख लेना, क्लास खत्म होते होते मुझे सबमिट कर देना। ये वाला 100, ठीक है। पहले समझते हैं कि ये है क्या। देखो, आपका जमीन जो है, जमीन पे आपको प्लेटो भी मिलेगा, माउंटेन भी मिलेगा, बहुत गहरी गहरी खाइयां भी मिलेंगी। ये सारे क्या है, सेम लिथोस्फेरिक प्लेट पे फिनोमेना है। पर ऐसा नहीं है कि ये सब
एक ही बार में बना है, नेचुरली पहाड़ भी बन गए, नेचुरली आपका प्लेटू भी बन गया. देर इज अ फोर्स बिहाइंड एवरी सिंगल थिंग दैट इज प्रेजेंट ऑन द सर्फेस. ये जो कल हमने टॉपिक शुरू किया इसका नाम क्या था, जियो मॉर्फोलॉजी. मॉर्फोलॉजी असेंशियली क्या होता है, कोई चीज देखने में कैसी है. तो आपका अर्थ का एक्सटर्नल, पहले हमने समझा इंटरनली क्या हो रहा है, अब हम समझेंगे जो एक्सटर्नल फीचर्स हैं या जो लैंडस्केप्स हम देखते हैं वो जिस फॉर्मेट में भी हमें दिखते हैं वो कैसे बने हैं. इसके लिए आपने एक चीज याद रखनी है, एक प्लेन लैंड है, ठीक है. प्लेन लैंड पे दो टाइप के फोर्सेस एक्ट करते हैं, एक इंटरनल फोर्स है जो अर्थ के अंदर से आता है और एक एक्सटर्नल फोर्स है. जब इसके ऊपर इंटरनल फोर्स एक्ट करेगा तो वो एक प्लेन लैंड को क्या है, एक फीचर दे देगा, चाहे वो माउंटेन के फॉर्मेट में हो, प्लेटू के फॉर्मेट में हो. इस फीचर पे जब एक्सटर्नल फोर्सेस एक्ट करेंगी, जो आपका वेदरिंग एंड इरोजन के फॉर्मेट में होगा, वो इसी फीचर को क्या करेगा, डिग्रेड करेगा. पहले वो माउंटेन को एक प्लेटू में कन्वर्ट कर देगा, फिर उसमें और डिग्रेडेशन होगी, वेदरिंग होगी, उसको एक प्लेन रीजन में कन्वर्ट कर देगा. प्लेन रीजन के बाद अब हवा के पास कुछ है तोड़ने मरोड़ने के लिए, नहीं. तो दिस इज योर बेस लेवल, कि इसके बियॉन्ड अब इसकी डिग्रेडेशन नहीं हो सकती. तो असेंशियली जियोमॉर्फोलॉजी में टोटैलिटी में हम क्या पढ़ते हैं, द प्रोसेस वेयर अ प्लेन लैंड इज कन्वर्टेड इनटू अ फीचरफुल सरफेस एंड द फीचरफुल सरफेस अंडरगोज डिग्रेडेशन टू बिकम अ प्लेन लैंड अगेन. ये जो पूरा साइकिल है कि पहले फीचर्स बने, फिर उसके ऊपर अलग से कुछ फोर्सेस एक्ट की और उसको फिर से एक फीचरलेस प्लेन बना दिया, दिस होल थिंग इज कवर्ड इन योर जियोमॉर्फोलॉजी. अब ये फोर्सेस क्या क्या हैं, एक फोर्स अर्थ के अंदर से आ रही है तो उसको हम बोलेंगे एंडोजेनेटिक फोर्सेस, और जो फोर्स बाहर से आ रही है वो क्या हो गया, एक्सोजेनेटिक फोर्सेस. अब थोड़ा सा सोच के बताओ, एक्सोजेनेटिक फोर्सेस में सिंपली अगर आपसे पूछा जाए बाहर आपको क्या फोर्सेस लगती हैं जिससे आपके लैंडस्केप में चेंज आता है, विंड हो गया, रनिंग वाटर हो गया, ग्लेशियर्स का मूवमेंट हो गया, मतलब ये सारी चीजें जो असेंशियली क्या कॉज करती हैं आपका, इरोजन. इरोजन होता है ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. पर अगर एक ही जगह पे ट्रांसपोर्ट नहीं हो रहा है, पर मान लो एक बड़ा पहाड़ टूट के छोटे छोटे रॉक्स में कन्वर्ट हो रहा है, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं वेदरिंग. वेदरिंग का मतलब इन सीटू, अपनी ही जगह पे एक बड़ी चीज का टुकड़े टुकड़े होकर छोटा होना इज वेदरिंग. जब उसके छोटे छोटे टुकड़े हो गए, अब उसके ऊपर एजेंट्स ऑफ इरोजन जिसमें आपका विंड, ग्लेशियर, मूविंग वाटर, वो काम करेगा तो उस जगह से उसको ले जाएगा कहीं पे और उसको बोलेंगे हम इरोजन. तो एक्सोजेनेटिक फोर्सेस में बेसिकली दो ही फोर्सेस हैं आपके, क्या क्या, एक वेदरिंग और एक इरोजन. वेदरिंग में ही आपकी मास मूवमेंट, मास वेस्टिंग आती है. वेदरिंग और इरोजन जब इकट्ठे काम करते हैं तो आपका लैंडस्केप फीचरलेस हो जाता है. फिर बचा आपका एंडोजेनेटिक फोर्सेस. एंडोजेनेटिक फोर्सेस में सोचो क्या आएगा, बस एंडो मतलब अर्थ के अंदर से आ रहा है. अर्थ के अंदर से जो एनर्जी आ रही है वो असेंशियली कहाँ से आ रही है, हीट से. जो अर्थ के अंदर हीट है रेडियो एक्टिव डीके की वजह से, सरफेस पे वो किस फॉर्मेट में एक्सप्रेस होगी, जब आपका मोल्टन मैग्मा मेंटल से ऊपर की तरफ उठेगा तो वो आपका जो प्लेन लैंड है या तो उसको ऊपर पुश करेगा या उसको साइड टू साइड मूव करेगा और नए नए फीचर्स जो है जेनरेट करेगा. तो दिस इज असेंशियली जो अब हम पढ़ेंगे आपके जियोमॉर्फिक मूवमेंट्स प्रोसेसेस या फोर्सेज में, जिसका बेस क्या है आपका, एंडोजेनेटिक फोर्सेस एंड एक्सोजेनेटिक फोर्सेस. हमने सबसे पहले एंडोजेनेटिक फोर्सेस पढ़े हैं और इस एंडोजेनेटिक फोर्सेस के टॉपिक में ही आपका आएगा कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, सी फ्लोर स्प्रेडिंग, आर्थर होम्स का कन्वेक्शन करंट थ्योरी, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, उसके बाद आपके अर्थक्वेक्स, वॉल्केनिज्म, वॉल्केनिज्म से रिलेटेड आपके अलग अलग लैंडफॉर्म्स. जब ये हो जाएगा
फिर हम पढ़ेंगे वेदरिंग एंड इरोजन, और वेदरिंग एंड इरोजन में आप पढ़ोगे अलग अलग लैंडफॉर्म्स जो मूविंग रिवर क्रिएट करता है, जो आपका ग्लेशियर्स, मूविंग ग्लेशियर्स, या जब ग्लेशियर्स रिट्रीट हो जाते हैं तो अलग अलग जो लैंडफॉर्म्स क्रिएट होते हैं। अब आगे का आपका जो पूरा का पूरा जियोमॉर्फोलॉजी है वो इस टॉपिक के अंडर आपका कवर होगा। ये बात समझ में आई? एंडो और एक्सोजेनेटिक फोर्सेस में बेसिक डिफरेंस आपको समझ में आया? तो अगर मैं बोलूं कि एंडोजेनेटिक फोर्सेस दे राइज फ्रॉम विद इन द अर्थ, एक्सोजेनेटिक फोर्सेस दे राइज फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ, या हवा आपका किस चीज का कंपोनेंट है, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर या एटमोस्फीयर का? एटमोस्फीयर का। तो जो आपके एक्सोजेनेटिक फोर्सेस हैं दे ओरिजिनेट इन द एटमोस्फीयर, एंडोजेनेटिक फोर्सेस ओरिजिनेट इन द सेंटर ऑफ द अर्थ। ये क्लियर है सबको? थोड़ा सा आपको एक चार्ट बनाना है पहले टाइप्स ऑफ, चलो मैं ही बना देती हूँ। सबसे पहले अगर आपके जो फोर्सेस हैं, अभी बनाना मत शुरू करना, इनको हम दो में क्लासिफाई करेंगे, एंडो एंड एक्सो। एक्सो को हमने ऑलरेडी बता दिया आपका क्या हो जाएगा, वेदरिंग एंड इरोजन। अभी जो एंडोजेनेटिक फोर्सेस हैं ये दो तरीके के होते हैं, एक वे फोर्सेस जो बहुत ही स्लो हैं, जैसे आपका कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, आपके आहिस्ता आहिस्ता कॉन्टिनेंट्स बने, मिलियंस ऑफ इयर्स लग गए उसमें, तो एक स्लो हो गए, और एक जो बहुत ही क्विक होते हैं जैसे कि आपका अर्थक्वेक आ गया, एक वॉल्केनो फट गया, वो है सडन फोर्सेस। तो जो स्लो फोर्सेस होते हैं उनको हम बोलते हैं डायस्ट्रोफिक फोर्सेस, और जो बहुत ही तेज क्विकली होते हैं उनको हम बोलते हैं सडन। सडन में आपका एसेंशियली आता है वॉल्केनो एंड अर्थक्वेक। ठीक है, हमने किस पे फोकस करना है, जो लॉन्ग टर्म फोर्सेस हैं, डायस्ट्रोफिक फोर्सेस, जिनमें आहिस्ता आहिस्ता आपके लैंडफॉर्म्स बनते हैं। डायस्ट्रोफिक फोर्सेस दो तरीके के होते हैं, एपीरियोजेनेटिक। एपीरियोजेनेटिक फोर्सेस जो वर्टिकल मूवमेंट कॉज करते हैं, नीचे से एकदम ऊपर को पुश मिला या ऊपर से नीचे को पुश मिला। आपने सुना इस साल जनवरी में जोशीमठ में लैंड सबसाइड कर गई थी, जमीन बिल्कुल बैठ गई थी, क्या था ये? वर्टिकल मूवमेंट। अपवर्ड मूवमेंट क्या होगा, मान लो दो प्लेट्स हैं, आगे हम प्लेट टेक्टोनिक्स में पढ़ेंगे, एक ने इसको बहुत ज्यादा पुश करने की कोशिश की, या फिर फॉर व्हाटएवर रीजन एक प्लेट नीचे हो गई तो दूसरी ऊपर रह गई। तो ये जो अपवर्ड और डाउनवर्ड मूवमेंट है उसको हम बोलते हैं एपीरियोजेनेटिक फोर्सेस। दूसरी होती है आपकी ओरोजेनेटिक। ओरोजेनेटिक का मतलब क्या हुआ, कल आपने एक चीज पढ़ी थी कि जो आपका क्या है, जो लिथोस्फीयर है वो छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइडेड है, जिनको हम बोलते हैं प्लेट्स। वो प्लेट्स, ये मान लो दो प्लेट्स हैं, इनके बीच में एक डिसकॉन्टिन्यूटी है, ये प्लेट्स जब एक दूसरे की तरफ फोर्स करेंगी तो दे विल फोल्ड। ठीक है, नॉट नेसेसरली राइज, कुछ सबडक्ट भी कर सकता है, ये दोनों ही सेम डेंसिटी की है, एक नहीं मानेगा दूसरा नहीं मानेगा, तो दे विल फोल्ड एंड लीड टू फॉर्मेशन ऑफ माउंटेन्स। मान लो ये प्लेट डेंस है, ये प्लेट डेंस है, हल्की नहीं है, तो ये ऊपर तो उठ नहीं सकती, ये क्या चली जाएगी, इसके नीचे सबडक्शन हो जाएगी, तो ये क्या फॉर्म करेगी, आपके ट्रेंचेस, जो डीप ओशियानिक ट्रेंचेस, कल आपको एक डायग्राम में याद होगा कि पहाड़ के बाद हमने बहुत डेप्थ वाला भी कुछ बनाया था। तो ये जो इस तरीके के हॉरिजॉन्टल मूवमेंट है वो किस में आते हैं, आपके ओरोजेनेटिक में। ये बेसिक आपको समझ में आया? अब मैं आपको एक चार्ट दिखा रही हूं, आपने वो चार्ट ड्रॉ करना है। एक मिनट रुको, ये विजिबल है सबको? अर्थ मूवमेंट्स, एंडोजेनेटिक एंड एक्सोजेनेटिक। एक्सोजेनेटिक में वेदरिंग एंड इरोजन। वेदरिंग कितने टाइप्स का है, इरोजन कौन कौन कॉज करता है,
एंडोजेनेटिक में आपके स्लो मूवमेंट दैट इज डायस्ट्रोफिज्म एंड सडन मूवमेंट्स, उसमें अर्थक्वेक्स एंड वॉल्केनोस। स्लो मूवमेंट्स में एपीरियोजेनेटिक या फिर इन्हीं को हम बोलते हैं कॉन्टिनेंट फॉर्मिंग। ये आपको मैंने बताया वर्टिकल होती है या अपवर्ड या डाउनवर्ड। ओरोजेनेटिक या माउंटेन बिल्डिंग मूवमेंट्स, इसमें टेंशनल फोर्सेस एंड कंप्रेशनल फोर्सेस, सारे हम एक एक करके डिटेल में समझेंगे। पहले आप ये चार्ट बना लो, पीछे दिख रहा है ना सबको कि नहीं? वैसे कल मैं सोच रही थी आपकी क्लास ले लूं, चलेगा? नहीं गया। अच्छा, इतने दुखी आवाज में बोलोगे तो फिर तो वैसे भी नहीं ली जाएगी। जैस का जियोमॉर्फोलॉजी का टॉपिक खत्म होगा, आपका एक ऑब्जेक्टिव टेस्ट हो जाएगा। तो पहले ही मैंने आपको बता के रखा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आपको फिर एक या दो दिन का गैप मिलेगा प्रिपेयर करने के लिए, इसलिए साथ साथ में करते रहो। एंड मेक श्योर कि आप अपनी एनसीईआरटी भी साथ साथ में पढ़ रहे हो। जो हम यहाँ कवर कर रहे हैं वो साथ में अपने एनसीईआरटी से भी कवर करो। मैंने बिल्कुल ये क्लेम नहीं किया है कि जो मैं आपको लिखा रही हूँ वो बिल्कुल परफेक्ट मटेरियल है और आपको कुछ और देखना ही नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कंप्रेशन का मतलब समझते हो, एक दूसरे की तरफ जा रहा है। टेंशन का मतलब ना एक दूसरे की तरफ जा रहा है ना दूर जा रहा है, बस आपस में ऐसे साथ में घिस रहा है। ठीक है, अगर जिस जिसने ये बना लिया है, दो कॉलम्स में अपना पेज डिवाइड करो, एक हेडिंग आपका एंडोजेनेटिक एंड एक्सोजेनेटिक, दोनों के डिफरेंसेस लिखेंगे। इसके ऊपर भी मेंस का डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, व्हाट आर द बेसिक डिफरेंसेस बिटवीन एंडोजेनेटिक एंड एक्सोजेनेटिक फोर्सेस।
बन गया सबका ये। करें शुरू मुझसे पूछो पर्पल टी शर्ट क्या मसला हो गया कंप्रेशन में दोनों हो सकते हैं ऊपर भी जा सकता है और नीचे भी अगर जो ज्यादा डेंस होगा वो नीचे सबडक्ट कर जाएगा और उसी के साथ जो कम डेंस होगा वो ऊपर की तरफ फोल्ड हो जाएगा मैं आपको ये भी एक एक करके एक्सप्लेन करूंगी दो कॉलम्स बनाया आपने एक्टोजेनेटिक एंड एक्सोजेनेटिक सबसे पहले एंडोजेनेटिक के एक्सप्लेनेटरी पॉइंट्स सबसे पहले दीज फोर्सेस ओरिजिनेट इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ In the interior of the earth. Second point, they create vertical irregularity. Next point, अब एक हिसाब से मुझे बताओ अगर ये forces landform को बना रहे हैं या destroy कर रहे हैं पहले ये बताओ बना रहे हैं तो इनको हम कंस्ट्रक्टिव फोर्सेस बोलेंगे या डिस्ट्रक्टिव कंस्ट्रक्टिव फोर्सेस ऑलवेज कीप इन माइंड ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है एंडोजेनेटिक फोर्सेस आर कंस्ट्रक्टिव फोर्सेस क्योंकि नए लैंडफॉर्म्स बन रहे हैं एक्सोजेनेटिक अभी आपको मैंने बताया बने बनाए लैंडफॉर्म को टुकड़ा टुकड़ा करके प्लेन आउट कर रहे हैं तो दे आर डिस्ट्रक्टिव फोर्सेस नेक्स्ट पॉइंट लिखो दे आर कॉल्ड एज कंस्ट्रक्टिव फोर्सेस They are called as constructive forces. अब नाम ही है force है तो कहीं से तो इसको energy मिल रही है अपना काम करने की वो energy कहाँ से आ रही है आपका from the interior of the earth. Next point लिखो the ultimate source of energy for endogenetic forces is For endogenetic forces is again इसको points में लिखोगे The ultimate source of energy for endogenetic forces is सबसे पहला Earth's internal heat जो कहां से generate होती है थोड़ा सा और रिफाइन करना अगर आप चाहो आपको याद है कल हमने पढ़ा था रेडियो एक्टिव डीके होता है आपका कोर में भी होता है मेंटल में भी होता है हेवियर रेडियो एक्टिव मटेरियल्स जो हैं उनकी फिजन फ्यूजन होती है वो है आपका इंटरनल हीट कहाँ से आ रही है उस रेडियो एक्टिव डीके से सो क्या द अर्थ इंटरनल हीट जनरेटेड बाय रेडियो एक्टिव डीके और दूसरा है जियोथर्मल एंड प्रेशर ग्रेडियंट्स which give rise to density differences. As we go
towards the core of the earth, density increases or decreases? As we go down to the core of the earth, temperature increases or decreases? तो दैट मीन्स हर लेयर में, चाहे आपका क्रस्ट हो, मेंटल हो, कोर हो, आउटर सरफेस पे टेम्परेचर कम होगा, डेंसिटी कम होगी. जैसे जैसे हम अंदर जाएंगे टेम्परेचर भी बढ़ेगा, डेंसिटी भी बढ़ेगी. तो ये जो डेंसिटी और टेम्परेचर डिफरेंसेस है, इसकी वजह से भी आपकी हीट जो है जनरेट होती है और मूवमेंट होती है विद इन द अर्थ. फिर इस एक और पॉइंट, यदि हम सोर्सेज में ही लिख रहे हैं, थर्ड पॉइंट, दीज गिव राइज टू convection currents. These give rise to convection currents, which move convection currents. Convection currents, which move overlying, overlying मतलब जो ऊपर present है, lithospheric plates, which move overlying lithospheric plates. ये है समझो आपका mantle और ये है आपका ऊपर lithospheric plate. पहले मुझे बताओ lithosphere में सिर्फ crust होता है या mantle भी होता है? मेंटल का बिल्कुल सबसे अपर मोस्ट जो सॉलिड पार्ट है वो है. ये अब आपका है लोअर मेंटल, जहां पर आपका मोल्टन मैग्मा है और सॉलिड मैग्मा भी है प्लास्टिक स्टेट में जो है. यहाँ पर हीट बहुत ज्यादा है. अगर आप एक ठंडा हाथ पकड़ो और एक बिल्कुल गर्म हाथ पकड़ो और उनको टच करो, तो आपकी हीट ट्रांसफर होती है फ्रॉम वार्मर स्पेस टू कोल्डर स्पेस. ठीक है, गर्म क्या है ज्यादा? मेंटल. मेंटल ज्यादा गर्म है और क्रस्ट की तरफ आपका जो मटेरियल है वो कंपैरेटिवली ठंडा है. तो मूवमेंट ऑफ मटेरियल कहाँ से होगा? फ्रॉम हॉटर रीजन टू द कोल्डर रीजन. अब हॉटर रीजन से यहाँ से आपका क्या राइज करेगा? करंट्स. ठीक है, जैसे ही ये सरफेस पर पहुंचेगा, सरफेस पर आपकी लिथोस्फेयर प्लेट में ऑलरेडी क्रैक्स हैं. जैसे ही ये यहाँ पहुंचेगा तो ये यहाँ से बाहर आ जाएगा तो वॉल्केनो बनेगा. मान लो क्रैक उतना बड़ा नहीं है कि ये बाहर आ सके, या इसमें ही आपस में इतनी फोर्स नहीं है कि ये उसको बाहर आ सके, तो ये क्या करेगा? ये यहाँ चला जाएगा. ठीक है, ये यहाँ चला जाएगा, ये यहाँ चला जाएगा. तो ये जो ओवरलाइंग प्लेट है आपकी, वो कहाँ को मूव करेगी? इस तरफ को. और ये वाली कहाँ मूव करेगी? इस तरफ को. इसको बोलते हैं डाइवर्जेंस. ये बात समझ में आई? अब यहाँ पर पहुंचते पहुंचते ये मैग्मा फिर ठंडा हो गया, तो ये कहाँ आ जाएगा? वापिस. उसी तरह यहाँ से ये भी वापस आएगा. अब यहाँ पे ये प्लेट इधर से आ रही है, ये इधर से आ रही है, तो ये आपस में क्या करेंगे? कन्वर्ज. और फिर यहाँ पर आएंगे माउंटेन्स. ये पूरा आपका मैकेनिज्म हो रहा है. समझ में आया? नेक्स्ट पॉइंट लिखो, फोर्थ पॉइंट. फ्लोट कर रहा है ना, आप समझे फ्लोटिंग मीडियम के ऊपर आपका एक सॉलिड बेस मटेरियल है, नीचे पानी मूव करेगा. आप अपनी बोटिंग ले लो, पानी के आप मत इसको बोट को रो करो, पर पानी के ऊपर आप बोट को खाली छोड़ दो. जैसे जैसे उसमें मूवमेंट होगा ऊपर से वो मूव करेगा. दैट इज द रीजन हमने अलग अलग लेयर्स पढ़े ना. मोल्टन मैग्मा है, इट इज लाइक अ फ्लूइड मीडियम जिसके ऊपर आपका सॉलिड रॉक स्ट्रक्चर जो है आराम से फ्लोट कर रहा है. ठीक है, फोर्थ पॉइंट इसी में लिखो, जो फोर्सेस हम लिख रहे हैं, कोरियोलिस फोर्स, CORIOLIS, कोरियोलिस फोर्स also influences the movement of Coriolis force also influences the movement of convection currents. चार पॉइंट्स लिखे अभी तक हमने. ठीक है, अब आपका फिफ्थ पॉइंट है डायस्ट्रोफिक मूवमेंट्स. अब ये टॉपिक का फिफ्थ पॉइंट है. एंड्रोजेनेटिक में अभी तक हमने चार पॉइंट्स लिखे ना, चौथे पॉइंट के आगे हमने सब पॉइंट्स लिखे. अब हम फिफ्थ पॉइंट पे वापस आ रहे हैं, डायस्ट्रोफिक फोर्स. अब इसमें आपने पॉइंटर्स बनाने हैं. डायस्ट्रोफिक फोर्स को सबसे क्या बोलते थे? पहले बोलते हैं स्लो
एंड डिफॉर्मेशन मूवमेंट. डिफॉर्मेशन स्लो एंड डिफॉर्मेशन मूवमेंट. डिफॉर्मेशन का मतलब यहाँ क्या हुआ, आपका प्लेन लैंड था, या तो उसको एक दूसरे से दूर कर देगा या उसको पास लाएगा. मतलब जो एक प्लेन लैंड था उसमें अब कोई ना कोई फीचर डेवलप करेगा, उसको डिफॉर्म करेगा. ठीक है, इसके डायस्ट्रोफिक फोर्स लिख रहे हैं हम. इसको हमने डिफाइन किया कि इट इज अ स्लो एंड डिफॉर्मेशन फोर्स. अब इसमें सब पॉइंट है, पहले आपका एपीरियोजेनेटिक फोर्स. एपीरियोजेनेटिक में लिखो, दीज आर वर्टिकल मूवमेंट्स. These are vertical movements and may cause, these are vertical movements and may cause uplift or downward movement. These are vertical forces which may cause uplift or downward movement. आपने इस तरीके से एक डायग्राम बनाना है. अगर डाउनवर्ड मूवमेंट हुआ उसको हमने क्या बोल दिया, सब्सिडेंस. उससे जो स्ट्रक्चर्स आपके बनते हैं, छोटी छोटी खाइयां बनती हैं, उनको बोलते हैं जियोसिंक्लाइंस. उसी तरह अगर आपका अपलिफ्ट हो रहा है तो आपने एक चीज सुनी होगी, हॉर्स्ट एंड ग्रैबन्स करके स्ट्रक्चर्स बनते हैं. हॉर्स्ट जो अपलिफ्टेड पोर्शन है और ग्रैबन ये बना रो. जो आपके हॉर्स्ट और ग्राबन है ये भी माउंटेन्स है, पर ये फील्ड माउंटेन्स नहीं है. फील्ड माउंटेन्स ओरोजेनेटिक मूवमेंट से बनते हैं, ये एपीरियोजेनेटिक मूवमेंट है. आपका एक पूरा लैंड था, आप इमेजिन करो ये पूरा आपका एक लैंड है. नीचे से इसको फोर्स मिली तो ये कहाँ चला गया, ऊपर. तो ये भी एक माउंटेन लाइक स्ट्रक्चर बन गया, तो इसको हमने बोल दिया हॉर्स्ट. बट जो नीचे ही रह गया या जो डिप्रेशन रह गई उसको हमने बोल दिया ग्राबन. हाँ जी, अपलिफ्ट और डाउनवर्ड आपको समझ आया, ठीक है. यही सही है वाला. देखो मैंने आपको बताया कि अगर प्लेट्स एक दूसरे की तरफ मूव कर रही हैं तो वो क्या फॉर्म कर देगी, माउंटेन. बट ये कौन से माउंटेन्स है, फोल्ड माउंटेन्स. ये ओरोजेनेटिक मूवमेंट पे है, अभी हमने ये नहीं किया. हम कर रहे हैं एपीरियोजेनेटिक मूवमेंट, जहां पे या तो कुछ ऊपर जाएगा या कुछ नीचे जाएगा. अब इससे दो तरीके के स्ट्रक्चर, अगर यहाँ से ऊपर की तरफ फोर्स गया तो एक ब्लॉक आपका ऊपर उठ गया, तो जो नीचे रह गया उसको हमने क्या बोल दिया, ग्रैबन, जो वैली बनाएगा, और अपलिफ्टेड जो है उसको हॉर्स बोलते हैं, जो माउंटेन लाइक स्ट्रक्चर बनाएगा. अब ये मैंने बोला अपलिफ्ट, कई बार क्या हो सकता है ऊपर से नीचे को फोर्स आई तो एक हिस्सा नीचे को धस गया, फिर भी उसने क्या बना लिया, वैली बना लिया या ग्रैबन, और जो हिस्से ऊपर को रह गए उन्होंने क्या बना दिया, हॉर्स बना दिया, माउंटेन लाइक स्ट्रक्चर. आया समझ में, किसी और को डाउट इसमें? हाँ बिल्कुल, दोनों अलग अलग फिनोमेना है. और जहां पे आपकी सब्सिडेंस होती है, वो सब्सिडेंस जब आपकी वाटर बॉडी के नीचे हो जाए तो जो आपका डिप्रेशन बनता है उसको हम बोलते हैं जियोसिंक्लाइन. ये जियोसिंक्लाइन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है जब हम पढ़ेंगे हिमालयास का फॉर्मेशन, कि हिमालयास फॉर्म कैसे हुए थे. ये डॉटेड स्ट्रक्चर बनाना है, दैट मीन्स ये पानी के नीचे है. अगर प्लेन जमीन पे ऐसा हो तो उसको जियोसिंक्लाइन नहीं बोलेंगे.
उसको सिर्फ डिप्रेशन बोलेंगे। बन गया ये सबका? देखो साथ साथ में ही अगर आपको डाउट्स हैं तो क्लियर करते जाओ, क्योंकि जैसे जैसे आगे आगे आप चलोगे नई 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 वर्ड्स समझोगे। ये वाला सब्सिडेंस आपका ऊपर से, नीचे आपका वीक अर्थ है, क्रास्ट है ना, क्रास्ट आपकी थिकनेस, एक सर्टेन अमाउंट ऑफ थिकनेस है। जैसे आपका अभी उत्तराखंड में जो सब्सिडेंस हुआ था जोशीमठ में, क्या हुआ आपका माउंटेन, माउंटेन पे किसी जमाने में ग्लेशियर्स के साथ मोरेन्स, आप लोगों को तो पता ही होगा, यहाँ पे आपने फ्रीक्वेंटली देखे होंगे, मुझे नहीं पता लोकली उसको क्या बोलते हैं। जब भी एक ग्लेशियर फ्लो करता है इट्स अ वेरी स्लो मूवमेंट, तो उसके साथ जो है रॉक फ्रैगमेंट्स आते हैं नीचे, ठीक है। रॉक फ्रैगमेंट्स आए, अपने आप को उन्होंने एस्टैब्लिश कर दिया कहीं पे, हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स के बाद ग्लेशियर रिट्रीट हो गया, मतलब ग्लेशियर मेल्ट हो गया, ये रॉक फ्रैगमेंट्स वहीं पे रह गए। लोगों ने क्या समझा कि ये तो सॉलिड जमीन है, उसके ऊपर घर बनाने शुरू कर दिए, पर ये सॉलिड जमीन नहीं थी, ये तो सिर्फ एक एग्रीगेट ऑफ रॉक्स था। जैसे ही इनको थोड़ा सा एक्सेसिव फोर्स लगी कहीं से, फोर्स कैसे लगेगी आपको पता है, हिमालयाज में हम डैम्स फ्रीक्वेंटली बनाते हैं, माउंटेन्स को ब्लास्ट करते हैं रोड कंस्ट्रक्शन के लिए, तो ये जितना भी एग्रीगेट मटेरियल था थोड़ा सा भी शेकिंग ऑफ अर्थ आइदर बिकॉज ऑफ माइन ब्लास्टिंग, डैम कंस्ट्रक्शन या कुछ भी, ये जो एग्रीगेट था रॉक्स का ये छूट गया। आप रामबन वाली साइड जो अनकंसोलिडेटेड मटीरियल जब आपका रोड ब्लॉक हो जाता है, सेम चीज वहां पर होती है, जब ये मटेरियल सारा निकल गया तो ये जो ऊपर था ये स्ट्रक्चर नीचे को गिर जाएगा, इसी को हम क्या बोलते हैं सब्सिडेंस। वही फिनोमेना आपका यहाँ पर भी होता है, आया समझ में? जब आपका बेस मटेरियल वीक हो और दैट गिव्स वे, तो ऊपर का सारा मटेरियल नीचे बैठ जाएगा एंड दैट इज नोन एज सब्सिडेंस। क्लियर है ये सबको? ये आपने लिखा डायस्ट्रोफिक में एक्सप्लेनेशन, उसके बाद आपने लिखा एपीरियोजेनेटिक।